अवसर अति उत्तम है। एक बार हम वो राजकीय मोहर चुरा ले, कोई भी आदेश दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णदेव राय महाराज के आने से पूर्व हम पूरा विजयनगर लूट लेंगे। वाह वाह, इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन, आलू पूरी, मेदू वड़े, उपमा, शीरा, आज तो आनंद आ जाएगा। लावा, ये मेरी थालियाँ। कोई बात नहीं, मैं दूसरी थाली ले लूंगा, भोजन तो वही है ना। मेरी थाली कहाँ है? कारावास में। अगर तू दरबार नहीं जाएगा तो महाराज कृष्णदेव राय तुझे वहीं भेज देंगे ना। वाह, क्या बात है, क्या लतम बनाई है। गुंडप्पा और रखी है, अगर चाहिए हो ना तो और मांग लेना। अरे मेरी थाली कहाँ है? तुम लोग इतने आराम से बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मेरे लिए थाली भी नहीं रखी। भूलो मत, इस घर में कमाने वाला इकलौता मैं हूँ। हाँ, कल तक आप कमाते थे तो हमने आपको भोजन भी दिया, आज से आपने कार्य करना बंद कर दिया है तो हमने आपको भोजन देना भी बंद कर दिया है। अम्मा, और घी दूं आपको? आज तो रामा के हिस्से का भी घी मैं ही खाऊंगी। ठीक है अम्मा, उठा लो घी का पूरा पात्र ही उठा लो। हाँ, उठा लो घी, ऐसे ऐसे करके पी लो। ठीक है, भोजन नहीं देना है तो मत दो, किंतु मैं दरबार नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो महाराज के दंड को भी मत भूलिएगा, कारावास में डलवा देंगे वो आपको। बाबू, कारावास जाओगे तो लोग मुझे अपराधी का बेटा बोलेंगे, मेरे हाथ पर लिख देंगे मेरा बापू अपराधी है। रामा, दरबार जाना है या नहीं अभी सोच ले, विलंब करेगा तो संपूर्ण भोजन समाप्त हो जाएगा। रामा, अब तुझे सबको सच्चाई बता ही देनी चाहिए कि तू क्यों दरबार नहीं जा रहा है, नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा रामा। अरे आप लोग मुझे महाराज से दंड दिलवाने के पीछे क्यों पड़े हैं? यदि मैं दरबार गया तो महाराज का अपमान होगा, उनके आदेश का उल्लंघन होगा, क्योंकि महाराज ने स्वयं मुझे आदेश दिया है दरबार नहीं आने के लिए। क्यों? क्या गलत किया? क्या सदैव के लिए निष्कासित कर दिया क्या? हमारा तो बच्चा भी छोटा सा, अम्मा अब हम उसे कैसे पालेंगे? इतनी नाटकीयता! अरे जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वास्तव में महाराज स्वयं कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर गए हैं और मुझे ये आदेश दिया है कि मैं सारा समय भास्कर के साथ व्यतीत करूं। अब महाराज का आदेश तो राजा का अटल आदेश होता है ना, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए अब मैं अपना संपूर्ण समय भास्कर के साथ ही व्यतीत करूंगा। बिना नौटंकी हो बापू, मैंने इसे जान को चिंतित कर दिया था, मैं तो डर ही गया था कि मेरे भविष्य का क्या होगा। अब तो मुझे भोजन दोगे ना? बस किसी तरह राजकीय मुद्रा प्राप्त हो जाए। हाँ मंत्री जी। महाराज, कौन है ये महाशय? तत्कालीन महाराज, ये है गुत्थीलाल परदेसी और इनके साथ इनके सहायक हैं। ये विजयनगर राज्य के लिए एक चुनौती लेकर आए हैं। अच्छा, विजयनगर राज्य हर चुनौती के लिए तैयार है। धन्यवाद महाराज।
ये दांत क्यों कटकटा रहे हैं आप? या तो गर्मी? परिणाम भयंकर सर्दी का है महाराज। मतलब? मतलब हमने हिमालय में वर्षों तक नग्न शरीर तपस्या की है, साधना की है। अब साधना तो पूर्ण हो गई महाराज, किंतु दांत कटकटाना साथ में रह गया। उचित उचित है, चुनौती बताइए। महाराज, हमने तो सुना है कि कृष्ण देवराय महाराज तो बड़े तेजस्वी और विद्वान और सुंदर पुरुष है, किंतु आप तो बिल्कुल साधारण मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि महाराज ऊंचे कद वाले और बलिष्ठ है, बलवान है, किंतु आप तो वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप तो बिल्कुल निर्बल दिखाई दे रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि उनके तो काले घने लंबे बाल और चौड़ा माथा है, किंतु आपका माथा आरंभ तो होता है, समाप्त ही नहीं होता है। देखिए, आपने जो कुछ भी हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय जी के बारे में सुना है वो सत्य है। हाँ, सत्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम महाराज श्री कृष्ण देव राय नहीं है, हम तत्कालीन राजा अर्थात विजयनगर दरबार के राजगुरु महागुरु तथाचार्य हैं। अच्छा, तो आप हैं गुरुवर तथाचार्य जी। हाँ। आपके विषय में तो काफी कुछ सुना है हमने, कहे तो बताऊं? रहने दीजिए गुरुजी, रहने दीजिए। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सुना होगा आपके विषय में। हाँ, जो ये मोटी पगड़ी छोटी मूछ सबके सामने बता देगा। शांत कीजिए, पोल खुल जाएगा। तो सुनिए। नहीं नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है सुनी सुनाई बातें दोहराने की, रहने दीजिए। अब बताइए बताइए, वो आपकी चुनौती क्या है? छोड़िए, जाने दीजिए, हम बाद में आएंगे जब कृष्णदेव महाराज स्वयं यहाँ पर रहेंगे तब। क्यों जाने दीजिए हैं? अब क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति हमें नहीं, अपितु आपको हो जाएगी। कहाँ आप तत्कालीन राजा और कहाँ महाराज कृष्णदेव राय जी। आपको चुनौती देना आपके साथ अन्याय करने के बराबर होगा महाराज। देखिए, महाराज श्री कृष्ण देव राय ने हमें तत्कालीन राजा बनाया है, तो हम किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार करते हैं। सोच लीजिए महाराज, अगर आप पराजित हो गए तो आपको लिखित में स्वीकारना पड़ेगा ये विजयनगर का दरबार मूर्खों का दरबार है। गुत्थीलाल परदेसी जी, ध्यान रहे कि आप विजयनगर के राज दरबार में खड़े हैं। शांत शांत, पराजित तो आप होने वाले हैं, और यदि आप पराजित हुए तो बताइए क्या देंगे आप? अगर अगर कहीं मैं पराजित हो गया तो मेरा ये राजघट रत्न का सम्मान इस दरबार का हो जाएगा। तत्कालीन महाराज, आज पंडित रामकृष्ण भी दरबार में नहीं आए हैं, आप ये चुनौती स्वीकार मत कीजिए। महाराज कौन हम? चुनौती किसे मिली है? हमें मिली है, हम इससे निपटेंगे। और क्या पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण लगा रखा है? क्या पंडित रामकृष्ण के बिना दरबार नहीं चलेगा? तो क्या नाम है इसका? गुत्थीलाल। गुत्थीलाल, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाइए। देवको, चुनौती दरबार में पेश की जाए। क्या होगा इसमें? ये गुरुवर भी ना हमेशा नई नई समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। तो महाराज,
मेरी चुनौती आपके समक्ष पेश है। दिखाइए दिखाइए। जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या है? यही तो है चुनौती महाराज। लड्डू? ये तो लड्डू हैं। यही चुनौती है महाराज, लड्डू खाने की। आपको ये थाल के सारे लड्डू खाने पड़ेंगे। क्या कहा? लड्डू खाने की चुनौती? सचमुच बहुत बड़ी चुनौती लेकर आए हैं आप हमारे सामने, लड्डू खाने की चुनौती। तो खाकर दिखाइए महाराज। खाकर दिखाइए, लड्डू आपके समक्ष है। ये सब हमें अकेले खाने होंगे? आप चाहे तो अकेले भी खा सकते हैं या पूरे दरबार के साथ बैठकर भी खा सकते हैं, किंतु लड्डू पेट भर के खाने होंगे। तो चलो सब टूट पड़े लड्डुओं पर। रुको, महाराज कौन? हम? सर्वप्रथम लड्डू कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। तो हटो भाई, उठाने दो। मंत्री जी वहां खड़े खड़े लार मत टपकाइए, आइए लड्डू खाइए। शीघ्रता से इसे बदलो नकली मोहर से। हे भगवान, कहीं ये देख ना ले, कुछ करना होगा। अरे ठहरिए। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? लड्डू खाने से पूर्व हमारी बात तो सुन लीजिए। इसमें सुनना क्या है? आपने लड्डू खाने की चुनौती दी है तो लड्डू खाने दीजिए। अरे चुनौती तो लड्डू खाने की ही है, किंतु महाराज लड्डू खाने के पश्चात ये थाल के सारे लड्डू यानी कि 500 लड्डू आपको मुझे वापस करने पड़ेंगे, तभी आप जीतेंगे। यही चुनौती है। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गए आप सबको? अब पूरी करके देखिए हमारी चुनौती। थाल के लड्डू वापस दीजिए या तो फिर मान लीजिए कि आप पराजित हो चुके हो, और ये लिखित में दीजिए, जयनगर का दरबार मूर्खों का दरबार है। तत्कालीन महाराज, आपके पास इसका कोई समाधान है? हमारे पास क्या समाधान होगा? हम लड्डू खा सकते हैं, लड्डू खाने के बाद वापस करना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में क्या, किसी के भी बस में नहीं है। अरे भाई, कौन लड्डू खाकर वापस लौटा सकता है? अरे पंडित रामकृष्ण होते तो ये अवश्य कर देते। देखिए तत्कालीन महाराज, अब भी समय है, पंडित रामकृष्ण को बुला लीजिए। यहाँ राज दरबार में अर्थात विजयनगर के सम्मान का प्रश्न है। गुरुजी,
इस विपदा से केवल और केवल पंडित रामकृष्णा ही आपको बचा सकते हैं। सोचिए यदि आप हार गए तो क्या होगा? महाराज आपको इस भूल के लिए कदापि क्षमा नहीं करेंगे। दो तीन बार तो आपको मृत्युदंड दे ही देंगे, है ना? तात्कालीन महाराज, यदि आप ना भी कहेंगे तब भी हम पंडित रामकृष्ण को बुलाने के लिए सेवक भेजने वाले हैं। भेज दे महाराज। नहीं, पंडित रामकृष्ण को लाने धनी मनी स्वयं जाएंगे। जाओ धनी मनी। जी गुरु जी। तो बताइए 500 लड्डू वापिस करते हैं या फिर पराजय स्वीकार करते हैं? कैसी पराजय? अभी तो चुनौती आरंभ हुई है। आरंभ नहीं हुई है महाराज, आरंभ होके समाप्त हो चुकी है। ओ गुथीलाल, मत फूलो, आप एक राजा के समक्ष खड़े हैं और आपके कहने से चुनौती समाप्त नहीं होगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे चुनौती प्रारंभ रहेगी, समाप्त नहीं होगी। अर्थात? अर्थात क्या आपने चुनौती समाप्त करने की कोई समय सीमा रखी? बोलिए, रखी है क्या? जाइए, जाकर दरबार के कोने में बैठ जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हम मन भर कर लड्डू खाएंगे। तत्पश्चात मन भर जाएगा, वापस कर देंगे लड्डू। जाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। अरे धनी मनी, आप यहाँ? आप भी हमारे भास्कर के साथ क्रीड़ा करने आ गए? नहीं नहीं, क्रीड़ा तो दरबार में चल रही है रामा जी। अर्थात? पंडित रामकृष्ण जी, महाराज ने आपको दरबार में आने का आदेश दिया है। महाराज ने? किंतु महाराज तो नगर के बाहर गए हैं ना? गए हैं ना, किंतु महाराज श्री कृष्ण देवराय जी ने नहीं, उनकी अनुपस्थिति में हमारे गुरु जी को तात्कालिक महाराज बनाया गया है और गुरु जी ने यानी महाराज ने आपको तुरंत दरबार में आने का आदेश दिया है। हाँ। लो, राजगुरु बनाकर कम सर्वनाश किया था जो महाराज बना दिया। महाराज कृष्ण देवराय ने मुझे उनके बाहर रहने तक दरबार में आने से मना किया है और घर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा है, और मैं अपने असली राजा की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। हमारा असली उद्देश्य राजकीय मोहर को नकली मोहर से बदलना है। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण आ जाएंगे ना? उचित। कल पंडित रामकृष्ण इस समस्या का समाधान निकाल गए, उसके पश्चात आज नहीं आने का दंड देंगे हम उन्हें। तुम बचोगे नहीं पंडित रामकृष्ण। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आज नहीं हुआ तो कल। हम राजकीय मोहर बदल ही देंगे, कल हमको अवसर मिल जाएगा। और एक बार राजकीय मोहर हमारे हाथ आ गई, फिर ये विजयनगर हमारी मुट्ठी में होगा। तत्कालीन महाराज की जय बोलो। तत्कालीन महाराज की जय बोलो। तत्कालीन महाराज, तत्कालीन महाराज। जब जब तत्कालीन महाराज बनते हैं विपदा में पड़ जाते हैं। तत्कालीन महाराज मात्र दरबार के लिए हैं हम, हैं? और सुनो, हाँ, दरबार में हमें कोई गुरुवर नहीं पुकारेगा। नहीं कहेंगे गुरुजी, किंतु अब दरबार में जा ही क्यों रहे हैं? अर्थात फिर कहाँ जाएं? गुरुजी, यहाँ से कहीं दूर गुप्त स्थान पर पलायन कर जाइए। धनी सही कह रहे हैं गुरुजी, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, क्योंकि आज दरबार में तो रामा पक्का नहीं आने वाला। नहीं आने वाला? और उस मोटी पगड़ी छोटी मूठ के खाए लड्डू आपका तय वापस नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, और आपकी नाक कट जाएगी गुरुजी। अरे मनी, गुरुजी की नाक तो कभी कटते कटते कट चुकी है, ऐसा बोल के विजयनगर की नाक कट जाएगी। हाँ, विजयनगर की नाक कट गई यानी अपमान हो गया, तो महाराज सह नहीं कर पाएंगे। ये अपमान तो हम भी नहीं सहन कर पाएंगे। अरे आपकी बात कौन कर रहा है गुरुजी हैं? हम तो महाराज कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं। वो अपमान सह नहीं पाएंगे और आपको मृत्यु दंड दे देंगे। तो अब हम क्या करें? आप यहाँ से कहीं चले जाइए, कहीं दूर भाग जाइए।
भाग कर जाएंगे कहाँ? महाराज के सैनिक हमें ढूंढ नहीं लेंगे। अरे कैसी बातें करते हैं गुरुजी, ढूंढ लेंगे। अरे मरे हुए व्यक्ति को ढूंढता है क्या? क्या तात्पर्य है तुम्हारा, हम मर जाएं? नहीं नहीं गुरुजी, आप क्यों मानेंगे, किंतु हम धनी मनी पूरे विजयनगर में समाचार फैला देंगे कि आप नदी में नहा रहे थे, एक तेज धारा आई और उस धारा में आप बह के चले गए, और साक्ष के रूप में हम आपकी धोती सबको दिखा देंगे। हटो, दूर रहो, हाथ नहीं लगाएगा धोती को कोई। अभी तुम दरबार जाएंगे, यदि पंडित रामकृष्ण नहीं आया तो हम धोती उठाकर पलायन कर जाएंगे विजयनगर से कहीं दूर। महामंत्री। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महाराज। ये क्या हो रहा है दरबार में, गाय जा रही है? अरे ये दरबार में से धुआं उत्पन्न कैसे हो रहा है? वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा मंत्रीवर। चलिए आइए। अरे रे गुरुवर संभाल के, नीचे पापड़ सूख रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। ये सब क्या है पंडित रामकृष्ण? क्या बात है गुरुवर, आप प्रातःकाल इतने क्रोधित हो रहे हैं, क्या क्रोध करने के लिए मुझे दरबार बुलाया है? देखा देखा महामंत्री जी, इनकी दृष्टता देखी, कल हमारा अपमान किया, आज दरबार का अपमान कर रहे हैं, हालत क्या बना के रखी है दरबार की इन्होंने। मैंने तो वही किया गुरुवर जो करना उचित था। देखा देखा दुस्साहस की सीमा देखी आपने, इतनी बड़ी त्रुटि कर दी और कह रहे हैं कि हमने जो कुछ किया उचित किया। इसमें अनुचित क्या है गुरुवर? पंडित रामकृष्ण, ये दरबार है, आपने दरबार को निवास बना दिया है। अब देखना क्या क्या करता हूँ तत्कालिक महाराज, स्वार्थी जब आवश्यकता पड़ी तो बुलाते हो मेरे बापू को, और जब आवश्यकता पूर्ण हो गई तो ठुकराते हो, इसलिए हम सब आए हैं तुम्हें सबक सिखाने। मेरे बापू अकेले नहीं है, मैं भी उनके साथ हूँ। आकर हमसे वार्तालाप कीजिए। आता दरबार की मर्यादा कैसे भंग कर दी आपने? आपके कहने पर गुरुवर। मेरा मतलब है तत्कालीन महाराज। हमारे कहने पर? हाँ, जो हो रहा है आपके आदेश के कारण ही तो हो रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ दरबार की मर्यादा के लिए ही तो कर रहा हूँ ना। दरबार की मर्यादा के लिए कर रहे? ये चूल्हा, ये चौकी, वो झूला, वो गाय, ये पापड़, ये सब दरबार के लिए है। उचित उचित है, सिद्ध कीजिए कैसे। ये पकड़िए पहले। अरे पकड़िए तो सही गुरुवर। हाँ देखिए, दरबार की मर्यादा राजा के आदेश पालन से होती है। अब इस दरबार के असली महाराज हैं श्री कृष्ण देव राय। हाँ। जिन्होंने मुझे घर पे रहकर गृहस्थी के कर्तव्य के पालन करने का आदेश दिया था, अपने पुत्र की देखभाल करने का आदेश दिया था, और आप हैं तत्कालीन महाराज, आपने मुझे दरबार के कर्तव्य पालन का आदेश दिया है। तो क्या मैं तो दोनों राजा के आदेशों का पालन कर रहा हूँ ना। आपके आदेशानुसार दरबार का कर्तव्य पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, और महाराज श्री कृष्ण देव राय के आदेशानुसार घर के कर्तव्यों को पालन करने के लिए अपना संपूर्ण घर यहाँ ले आया। दीजिए, अब आपके पास इससे उत्तम और कोई मार्ग हो तो बता दीजिए। सत्य वचन। वैसे गुरुवर अर्थात तात्कालिक महाराज, वैसे पंडित रामकृष्ण बात तो उचित कर रहे हैं ना? यथा उचित बात कर रहे हैं। दरबार में घर, बड़ी विचित्र बात। नहीं नहीं, निकालो ये सब, निकालो अपने घर के साथ, निकलो। ठीक है, जैसा आप उचित समझे, जैसे आपकी आज्ञा। कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप, गुत्थीलाल परदेसी से हारना तय कर लिया है क्या आपने? तात्कालिक महाराज, आपको आपका ध्यान केवल और केवल चुनौती पर केंद्रित करना है, और चुनौती जीतने के लिए हमें पंडित रामकृष्ण की आवश्यकता है, समझिए संकट का समय है। हाँ महाराज, अब देखिए ना,
बाढ़ की मुसीबत में हिरण और शेर एक ही लकड़ी पे सवार होके कैसे पूरी नदी पार कर जाते हैं। तो क्या आप आज के लिए पंडित रामाकृष्णा को उनके घर के साथ सहन नहीं कर सकते? गुरुजी स्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिए। रोकिए पंडित रामाकृष्णा को, रोकिए गुरुजी, तभी गुत्थी लाल की गुत्थी से सुलझेंगे। पंडित रामाकृष्णा जी कहिए। देखिए आप अपने घर के साथ दरबार में रह सकते हैं। ना ना, मैं तो चला ही जाता हूँ तत्कालीन महाराज, घर जाकर घर के कर्तव्यों को निभाऊंगा। आप दरबार को दरबार की तरह चलाइए, आपको मेरी क्या आवश्यकता? आप ठहरे चतुर्बुद्धि वाले विद्वान, आपको दरबार में समस्या ही क्या आ सकती है तत्कालीन महाराज। क्या बात है बापू, चारों खाने चित कर दिया। पंडित पंडित रामकृष्ण, ये तत्कालीन महाराज का आदेश है आपको, आप दरबार से नहीं जाएंगे। अच्छा, अब महाराज के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, परंतु परंतु क्या? मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं दरबार के कार्य के साथ साथ घर के कार्य भी करता रहूंगा। अम्मा कह रही हैं कि मुझे जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी मैं इसे बुला लूंगी। हाँ अम्मा, और जब भी हमें इनकी रसोई में आवश्यकता पड़ेगी हम भी बुला लेंगे। हाँ। और जब मेला मन थी लेता हुआ तो मेरे साथ थे लेता भी। अब शर्तें रखना बंद करो, जो शर्तें आपने नहीं बोली वो भी हम मानते हैं। गुत्थी लाल को उत्तर मिल जाएगा। बस एक बार ये चुनौती जीत जाए कि हम इस पंडित रामकृष्ण को भी देख लेंगे। क्या है? ये क्या दरबार है कि किसी का घर है? महाराज ये क्या है? ये दरबार है कि किसी का घर है? लगता है कि आपने पराजय स्वीकार कर ही लिया महाराज। क्यों, तुम्हें स्वप्न में आया था? नहीं महाराज, सत्य सामने है, फिर मैं स्वप्न क्यों देखूं? ये दरबार को देख के तो कोई भी बोल सकता है यही है एकमात्र मूर्खों का दरबार। कितना घरेलू दरबार है। सिर्फ आपकी लंगोट कहीं सूखती हुई दृष्टिगत नहीं हो रही है। अच्छा, तो इनके कारण बुलाया गया है बापू को, इनसे बापू निपट लेंगे। मैं तो मात्र तत्काल इन महाराज को मजा चखाऊंगा। क्या नाम है? गुत्थी लाल। हमारा दरबार है, हम जैसे चाहेंगे चलाएंगे। काम से काम रखिए आप, आपको उत्तर मिल जाएगा। देवको, इनके कल के बचे हुए लड्डुओं का थाल लाया जाए। महोदय देख लीजिए, उतने ही लड्डू हैं ना जितने कल बचे थे। हाँ महाराज, लड्डू तो उतने ही हैं, किंतु आपको 500 लड्डू लौटाने हैं मुझे। कब देंगे? ये छोटे मोटे कार्य हम नहीं करते, हम महाराज हैं। ये कार्य तो हमारा वो मामूली सा सलाहकार भी कर लेगा। ये तो घमंड दिखा रहा है। कोई बात नहीं, बापू घमंड उतार देंगे। पंडित रामकृष्णा,
जी महाराज। यहाँ ये आपकी आवश्यकता है। ओ, हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा? धान कूट रहा हूँ तत्कालीन महाराज। ये पंडित रामकृष्णा यहाँ आइए, हमने आपको बुलाया। धान से चावल निकालने में विलंब हो गया तो शारदा रुष्ट हो जाएगी, और आपको तो पता ही है पत्नी यदि रुष्ट हो जाए तो क्या हो जाता है। चावल तैयार हो गए ना जी? हाँ, निकाल रहा हूँ। उठा लो। क्या चावल? नहीं, मूसल उठा लो और तुरंत धान कूटो। हाँ, कूट रहा हूँ। महामंत्री जी। जी 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 महाराज। जी महाराज, देखिए 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 क्या कर रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पड़ी नहीं है। ये बिना दंड दिए मानेंगे नहीं। हम इन्हें अभी शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। दुधारू गाय की लात सहन करनी पड़ती है। एक काम करते हैं, हम और आप मिलकर पंडित रामकृष्ण के पास चलते हैं। लात खाने नहीं, सहायता मांगने। हाँ, चलिए। चावल शीघ्र चाहिए। हाँ, लाया लाया। ये देखिए, ठीक है ना? हाँ, ये धान गांव से मंगवाया है। हाँ, अति उत्तम है ना? आप यहाँ धान लेने आए हैं? हैं? पंडित रामकृष्णा, अभी की अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये व्यवहार हमसे सहन नहीं हो रहा है। शांत, शांत महाराज, शांत। नकली मोहर दो। हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी नहीं है। क्या? चलो 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 अभी। नकली मोहर कहाँ है? लगता है नकली मोहर स्वामी जी के पास ही रह गई है। उनसे नकली मोहर लेनी पड़ेगी, नहीं तो नकली को असली से कैसे बदलेंगे। चलो। तो ये लोग राजकीय मोहर चुराने आए हैं। मैं पंडित रामकृष्ण का बेटा हूँ, मुझे कैसे भी राज के मोहर को बचाना होगा। अरे, नकली मोहर तो मेरे पास रह गई थी। हाँ, तो अब बताइए। देखिए, हाँ, आपको गुत्थी लाल की चुनौती का उत्तर दे रहा है। चुनौती बताइए। चुनौती है लड्डू। हाँ। अम्मा अम्मा अम्मा, ये क्या कर रही हो? पंडित रामा, अम्मा अम्मा लड्डू खा रही है। हाँ, अम्मा को लड्डू खाने दीजिए, अब चुनौती बताइए। अरे चुनौती, यही तो चुनौती है, लड्डू खाकर। हाँ, तो अम्मा लड्डू खाकर चुनौती का हल ही तो निकाल रही है ना, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अरे पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम हमारी पूरी बात सुनिए। आप सुनाइए। आप सुनाइए, बताइए बताइए। हाँ देखिए, तो आप हैं पंडित रामकृष्ण जी। जी। विजयनगर की शान, काफी कुछ सुना है आपके विषय में। और आप? हम हैं गुत्थीलाल परदेसी, राजगढ़ से आए, बहुत बड़े विद्वान है। और राजगढ़ रत्न का सम्मान मिला है हमें। अच्छा, तो वो आप ही हैं? जी। आपके विषय में कभी नहीं सुना। चुनौती बताइए। चुनौती सिर्फ इतनी ही है। हाँ। कि थाल के जो लड्डू है वो दरबार को खाने हैं, और वही 500 लड्डू आपको हमें वापस देने हैं। बाहर से कोई भी लड्डू मिलाए बगैर। और हाँ, आधी चुनौती तो आपके चतुर महाराज ने चट कर दी है, अब सिर्फ आधी चुनौती बाकी है, और वो है 500 लड्डू हमें लौटाने हैं। बस ओ अम्मेश्वरी, लड्डू पहले से कम हो गए हैं, और मत खाओ, वापस रखो, वापस रखो। अरे, मेरे 2 लड्डू रख देने से क्या तेरे 500 लड्डू पूरे हो जाएंगे क्या?
मैं तो खाऊंगी, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। उठा लो। क्या उठा लूं अम्मा? अम्मा आपसे नहीं, हम अम्मा से कह रहे हैं, उठा लो अम्मा, खा लो। तो इस बार तो पराजय निश्चित है पंडित रामकृष्ण जी। तो ये कैसे विचित्र सी चुनौती है, खाए हुए लड्डू कोई वापस कैसे कर सकता है? तो आपको क्या लगता है, चुनौती लड्डू खाने की ही होनी चाहिए सिर्फ? चुनौती तो चुनौती होती है, इस बार विजयनगर की पराजय बिल्कुल निश्चित है। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण जी, किस सोच में पड़ गए? पराजय स्वीकार करते हैं क्या? अरे ऐसे कैसे, विजयनगर कैसे पराजित हो सकता है? देखिए अब पंडित रामकृष्ण दरबार में आ चुके हैं, आपके जितने भी लड्डू हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, हैं? आप तनिक धैर्य रखिए। जी जरूर। पंडित रामकृष्ण, हाँ? आप चुनौती पूर्ण कर लेंगे ना? महाराज का आदेश है तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। हाँ, आइए लड्डू के पास चलते हैं। आइए चले चले चले। सोचिए सोचिए। सोच रहा हूँ। जल्दी सोचिए पंडित रामकृष्ण। शक्ति रखिए गुरु, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा सोचिए सोचिए। जिसका कोई उत्तर ही नहीं है वो ये क्या सोचेंगे, बस किसी तरह नकली मोहर सहायक को दे दूं ताकि वो असली मोहर से बदल सके। ए बंधु। रामा इस बार तो चुनौती कठिन है, लेकिन हल तो तुझे निकालना ही होगा, क्योंकि ये विजयनगर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सोच ही लेंगे, और मुझे राजकीय मोहर चोरों से स्वयं बचानी होगी। बालक तो रोते ही, उनका काम ही रोना है। रोने दीजिए रोने दीजिए, आप चुनौती पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तत्कालीन महाराज, क्या है आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ हम ये कह रहे थे कि वास्तव में बालक का जो रुदन है हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। हाँ। देखिए ना भास्कर चुप ही नहीं हो रहा। अरे ले आजा 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 भास्कर, क्या हुआ क्या हुआ बाबा? मुझे गुरुवर की गोद में जाना होगा ताकि वो मुझे सिंहासन तक ले जा सके और मैं मोहर उठा सकूं। तत्कालीन महाराज जरा सोचिए, यदि भास्कर ये ही रोता रहा तो पंडित रामकृष्ण सोच नहीं पाएंगे, और ये अगर सोच नहीं पाए तो चुनौती का हल नहीं निकलेगा। गुरुजी आप बच्चे को चुप कराइए। रामा तो रामा, अब रामा के बच्चे को भी झेलना पड़ेगा। उचित है। क्या हुआ? अरे आप चुप करेंगे? हम चुप करेंगे। कराइए। मछली जल की नानी है, जीवन कुछ नानी है, मछली जल की नानी है। कविता तो सही सुनाइए। अरे ऐसे तो होती है। अच्छा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका नानी है, हाथ लगाओ भाग जाती है, बाहर निकालो नाचने लगती है। आपको तो बच्चों को चुप कराना भली भांति आता है। ये तो मेरी चाल थी जिसमें ये फंस गए, अब दिखाऊंगा असली खेल। आप सोचिए पंडित रामकृष्ण। हाँ, हम छोटे रामा को संभाल रहे हैं। अब मैं उपाय सोच कर यहाँ से हटूंगा। मिल गया।
पंडित रामकृष्ण ये क्या कर रहे हो? पराजय का उपाय। अरे पंडित रामकृष्ण, क्या कर दिया आप? ये क्या कर रहे हो? 500 लड्डू फोन करके देने हैं, बच्चे कुछ भी तोड़ रहे हैं। हाँ महाराज, अब तो पराजय स्वीकार कर लीजिए, इन्होंने तो लड्डुओं का हलवा बना दिया है। पंडित रामकृष्ण, दरबार को ये इतना बुरा दिन आपके कारण देखना पड़ा, इसका दंड अवश्य मिलेगा। चुनौती का हल निकालने का दंड? हाँ, नहीं, क्या तात्पर्य क्या है आपका? ओ, आप सब मेरे उपाय में विघ्न डाल रहे हैं, जाइए सब जाकर वहाँ खड़े हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, सभी चलिए चलिए। ओ अमेश्वरी, ऐसे क्या लड्डू को देख रही हो? चलो जाओ जाओ, छूना नहीं, छूना चलो। बचाएगा कि फंसवाएगा? ये लीजिए। आपके 500 लड्डू पूरे, 500 ही। चलो छोटे लड्डू, पंडित रामकृष्ण ये सब क्या है? ये क्या है, छोटे छोटे लड्डू? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने शर्त कहाँ रखी थी कि लड्डुओं का आकार समान होना चाहिए? ये लीजिए, हो गई चुनौती पूर्ण। सत्य वचन। वाह, क्या बात है बापू! वाह पंडित रामकृष्ण, वाह वाह, क्या बात! आ गुथीलाल, लाइए अपना सम्मान हमें दीजिए और अब हम तुम्हें लिख कर देंगे, राजगढ़ के लोग मूर्ख होते। आ मंत्री जी। महाराज, ये सब लिख कर राज की मोहर लगाइए। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल, जो आज्ञा मंत्री वर। और आप गुथीलाल, अपना सम्मान राजगढ़ रत्न हमें दीजिए। नहीं नहीं महाराज, सम्मान सम्मान होता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखा आपने हमारे पंडित रामकृष्ण जी की महानता, आप इस दरबार में हमारा सम्मान छीनने आए थे, परंतु पंडित रामकृष्ण ने आपके सम्मान की रक्षा की। स्मरण रखिएगा, सम्मान भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो दूसरों के सम्मान का आदर करता। अरे ये राजकीय मोहर नहीं है, राजकीय मोहर कहां गई? कहां गई राजकीय मोहर? कैसे हो सकता है? कोई भी उस राजकीय मोहर का गलत प्रयोग कर सकता है, राजकीय निर्णय बदल सकता है। कहां गई वो मोहर? यदि असली मोहर नहीं मिली तो महाराज श्री कृष्ण देव राय हम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। कुछ नहीं होगा, राजकीय मोहर यहीं इसी दरबार में है। सैनिकों, सभी द्वार बंद कर दो और यहां एक एक की तलाशी लेना, किसी ना किसी के पास मोहर अवश्य मिलेगी। मोहर तो मेरे पास है, परंतु अभी बताऊंगा नहीं, अब आनंद आएगा। ये क्या अनर्थ हो गया, असली मोहर किसने चुरा ली? पता नहीं स्वामी। कोई बात नहीं, हमारे पास तो
नकली मोहर है। परंतु स्वामी, ये तो हम लोग जानते हैं, ये लोग तो उसे असली ही समझेंगे ना। बुरे फंसे हैं स्वामी, मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे पास कहां से आई? चुराई है तुमने? नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराई है, मैंने नहीं चुराई है। ये तो नकली है। पकड़े गए तो नकली हो गई। सच बताओ। सच बोल रहा हूँ, ये सच में नकली वाली है। बोलो ना, बोलो। सर कटेगा तब सत्य बाहर आएगा। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये सब स्वामी का किया धरा है। ये सचमुच नकली मोहर है। हम तो चुनौती के बहाने असली मोहर को नकली मोहर के साथ बदलने आए थे, और बाद में स्वामी का उद्देश्य असली मोहर के साथ बड़ा लाभ उठाने का था। महाराज, महाराज ये सत्य कह रहा है, ये मोहर तो नकली है। आप बुद्धिमान हैं, किंतु बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया, अब परिणाम भुगतिए। जी भाइयों, पकड़ लो इन्हें, डाल दो कारावास में। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। जी मत लेके जाइए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़िए। अरे छोड़ो छोड़ो। अरे लेकिन जो दंड हमें मिलेगा उसका क्या? ये राजकीय मोहर तो नकली है, असली कहाँ असली? यदि असली मोहर नहीं मिली तो महाराज श्री कृष्ण देव राय हम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। ये जाएगी कहाँ, यही कहीं होगी, ढूंढो सब। हाँ। सब मिलकर ढूंढो। हाँ हाँ, सब ढूंढो, सब ढूंढो। मोहर मेरे पास है, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं। क्या है? मोहर ढूंढिए पंडित रामकृष्ण। मोहर ढूंढिए पंडित रामकृष्ण। जो आज्ञा गुरुवर। तत्कालीन महाराज है हम। जो आज्ञा महाराज। चलो अब सबको बता देता हूँ। मोहर मिल गई। हाँ, भास्कर के पास थी। प्रतीत होता है कि जब गुरुवर इसे गोद में लेके बैठे थे तभी इसने ले ली होगी। ये मोहर पंडित रामकृष्णा के पुत्र ने चुराई है। जी? तत्कालीन महाराज हैं हम। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तत्कालीन महाराज? पंडित रामकृष्ण के पुत्र ने तो इसे चोरी होने से बचा लिया। कैसे? तत्कालीन महाराज, यदि ये उस मुद्रा को नहीं उठाता तो वो लोग इसकी जगह पर नकली मुद्रा रख देते और हम में से किसी को ज्ञात भी नहीं होता। सत्य कहा, अब पंडित रामकृष्ण का पुत्र यानी छोटा रामा तो पंडित रामकृष्ण से भी चार कदम आगे है। कोई भी दुष्ट विजयनगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी।
एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोई बात नहीं, हम दोनों को देख लेंगे। चलिए आज के दरबार का सारा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ, अब आप सब अपने घर जाइए महाराज, मेरा घर तो यही है, मैं यही रहूंगा। पंडित रामकृष्णा, आप अपने परिवार के साथ अपने निवास पर जाइए, जब तक महाराज श्री कृष्ण देवराज जी नहीं आ जाते आप अपना मुख हमें मत दिखाइएगा। क्या ये मेरा दंड है? नहीं, पुरस्कार है। अवकाश मनाइए, जाइए। धन्यवाद गुरुवर। तत्कालीन महाराज, अब एक कार्य करें, मेरा सारा सामान और वो गाय कृपया घर भिजवा दे। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए। वाह बापू, आपका उपाय काम कर गया, अब गुरुवर आपके अवकाश का सर्वनाश नहीं करेंगे। ए अम्मा चलो सावा घर चलते गुंडप्पे, चलो चलो चलो। अच्छा प्रणाम महाराज। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की जय। तत्कालीन महाराज 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 तथाचार्य की जय। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की जय। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की जय। हमारा आशीर्वाद सदैव विजयनगर वासियों के साथ है। ईश्वर आपके तत्कालीन महाराज को यश दे, दीर्घायु प्रदान करे। समझ नहीं आ रहा है मनी, ये बुड्ढा स्वयं को आशीर्वाद दे रहा है इस प्रजा को। तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। ये कौन है? ये हमारी और क्यों आ रहे? और इसके हाथ में क्या जो पटक पटक कर मार रहा है? हमने क्या किया? हमें क्यों मार रहे हैं आप? क्या है? गुरुजी, कदाचित विचित्र प्राणी आपका सत्कार, आपका सम्मान करने पधारे यहाँ पर। आप तात्कालिक महाराज है ना गुरुजी, इसलिए हमें इतना सम्मान मिल रहा है। हम आनंद विभोर हो गए आपका ये सम्मान देखकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सदैव प्रसन्न रहो। यदि कभी भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमारे पास आ जाना। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की जय। तत्कालीन महाराज की जय। तत्कालीन महाराज की जय। तत्कालीन महाराज की जय। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की जय। ये टुक टुक करके क्या बात कर रहे हैं? हमारा तात्पर्य है कि हमारी पुत्री का अभी यहाँ विवाह हुआ है। विवाह कब हुआ और किससे? अभी इन महापुरुष से जो यहाँ से गए। वो तो विजयनगर के तत्कालीन महाराज तथाचार्य थे। अरे वाह, हमारी तो पुत्री के भाग्य खुल गए। ये दूध गाय का है कि भैंस का? आज का है या कल का? आपकी गाय जिसे दूध निकाला है उसे कोई रोग तो नहीं है ना? उसे अच्छा चारा खिलाते हो या नहीं? हाँ। हरी घास? अरे महोदय, कितना सवाल पूछते हैं आप। आप आज कोई पहली बार तो हमारे यहाँ से दूध लेकर नहीं जा रहे हैं। आपका विवाह हुआ है? और हमारे विवाह से दूध का क्या संबंध? संबंध है, उत्तर दो। नहीं हुआ। संतान है कोई? क्या? अब क्षमा करें क्षमा करें, जब आपकी कोई संतान होगी ना तब आपको ज्ञात होगा। आज पहली बार भास्कर को माँ के दूध के साथ साथ पौष्टिक आहार के लिए गाय का दूध पिलाने जा रहे हैं। अत्यंत विशेष दिवस है उसके जीवन का, फिर प्रथम बार बाहर का दूध पिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? अरे शांत हो जाइए पंडित रामकृष्णा जी, ये गाय का ताजा दूध है, इस दूध को पीकर आपका पुत्र अत्यंत बलिष्ठ हो जाएगा।
धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। तत्कालीन महाराज वो देखिए। क्या देखिए? आपका परम मित्र बेचारा घर गृहस्थी संभालते संभालते क्लांत हो गया है। देखो देखो देखो, एक और ये अपनी अम्मा और अपनी पत्नी अरदास बन गया, और हमें देखो, हम बन गए विजयनगर राज्य के तत्कालीन महाराज। आओ आओ आओ। अरे देख के नहीं चल सकते क्या आप गुरुवर? तत्कालीन महाराज कोई बात नहीं पंडित रामाकृष्णा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए अत्यधिक दूध है, अंततः हम राजा हैं और आप रंक। हाँ, दूध। अच्छा लगा, कम से कम गृहस्थी का कार्य तो करते हो, दरबार के कार्य तो कर नहीं पाए। अब मैं दरबार कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो ये सब्जी ये दूध संभल जाए तो ही बहुत है। वैसे दरबार तो आप संभाल रहे हैं आजकल। आपके व्यंग को हम समझ रहे हैं पंडित रामाकृष्ण। कोई बात नहीं, परंतु आपने हमारे न्याय के चर्चे तो अवश्य सुने होंगे। न्याय? और हमारे गुरुजी? ऐसे मिथ्या समाचार कौन फैला रहा है? हाँ हाँ, अवश्य चर्चे हो रहे हैं सब जगह। वैसे महाराज श्री कृष्ण देव राय ने व्यर्थ ही आपको सर पे चढ़ा रखा है, हमारे मतानुसार तो दरबार में आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों धनी मनी? उचित है। सो तो है, उचित कहा आपने, मैं आपसे पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। तो एक काम कीजिए ना, वो त्याग पत्र दे दीजिए, घर में बैठी अपने पुत्र को संभालिए, वैसे भी दरबार में आप इधर उधर की वार्तालाप ही तो करते हैं। उचित है? है क्या उचित है? कि मुझे दरबार में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, और तत्कालीन महाराज की कभी भी कोई भी सहायता नहीं करनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं पंडित रामाकृष्ण, हम चाहे आपके सामने रोए चाहे गिड़गिड़ाए, पर नहीं कभी पुनः कभी दोबारा दरबार में प्रवेश मत करना। सही है ना तत्कालीन महाराज? हाँ हाँ हाँ, ये हमारा तत्कालीन महाराज का आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम, मेरा दूध आ गया। धनी मनी? जी गुरुजी। कुछ गड़बड़ हुई क्या? सब सही है गुरुजी, सब सही है। पंडित रामाकृष्ण तो जी मुंह मत फाड़िए, बंद कर लीजिए, आपका सलूप आपके चेहरे पर आ रहा है भाई। प्रणाम महाराज। महाराज ये सुलोचना देवी, इनका कहना है कि इनके पति ने इनके साथ विवाह तो किया परंतु पत्नी का अधिकार नहीं दिया, ये न्याय चाहती। महाराज हमारे पति ने हमसे विवाह तो किया है परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे साथ छल कर रहे हैं। कौन तुझ है जो ऐसी सुंदर नारी, पीड़ित नारी पर अत्याचार कर रहा है, उसे पत्नी का अधिकार नहीं दे रहा है? आमंत्री जी। महाराज हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए उस पाखंडी को। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। ये गोपाल हैं, सुलोचना देवी के पति। आप इन्हें पत्नी का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं मूर्ख? वो क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। एक और सुंदर स्त्री। हे भगवान, विजयनगर में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और हमारे भाग्य में वरुण माला ही लिखी थी। आपका नाम क्या है प्रिय? कुछ। प्रणाम महाराज, मैं हूँ आरंभा, और ये नहीं मैं हूँ इनकी पत्नी।
यदि आप इनकी पत्नी हैं, तो फिर ये महिला कौन? इनके एक हाथ में तो बर्फी और एक हाथ में लड्डू है। गुरुजी का हाथ खाली। बताइए ये कौन है? महाराज ये मैं इन्हें नहीं जानता, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको स्मरण नहीं, 2 वर्ष पूर्व उस पहाड़ी वाले मंदिर में मिले थे आप। उस दिन अत्यधिक वर्षा भी हो रही थी और आपने हमसे कहा था कि हम कितने सुंदर। एक के होते हुए दूसरी के साथ वर्षा में रास लीला मना चुका है ये। आपको स्मरण नहीं? और महाराज तत्पश्चात उसी दिन हम दोनों ने उसी मंदिर में विवाह भी किया था। महाराज ये हमारे स्वामी पे मिथ्या आरोप लगा रही है। हाँ हाँ महाराज, मैं इसे नहीं जानता। गुरुजी ये गोपाल कुछ भयभीत सा प्रतीत होता है। लगता है ये आपसे कुछ छिपा रहा है। तत्कालीन महाराज ऐसी दुविधा में तो पंडित रामकृष्ण ही सहायता कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण का नाम मत लीजिए हमारे समक्ष, हम न्याय करेंगे। जी इल। कितना विलंब कर दिया दूध लाने में, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी इसे गर्म करना है, तत्पश्चात हल्दी मिलाना है और फिर भास्कर को भी पिलाना है। पी लिया हुआ है क्या मुझे जो हल्दी वाला दूध पिलाओगे? हल्दी वाला दूध भास्कर को पिलाना है? अरे इतने छोटे से शिशु को हल्दी वाला दूध पिलाना उचित होगा? कड़वा नहीं लगेगा उसे? वही तो, आप ही समझाओ बापू। अब तू मुझे सिखाएगा एक छोटे से बच्चे के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तू क्या ऐसे ही बड़ा हो गया? बापू को बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं थी अम्मा, मुझे उचित प्रकार से बड़ा करके दिखाओ तो मैं मानूं। मुझे पता मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी लाठी खा खा के। अरे ओ शारदा महोदय ये सब्जी भी ले जाओ ना। अरे ले 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 ले। जिले भास्कर को सर्दी हो गई, भी ठीक हो जाएगी। ये आपकी पत्नी नहीं है ना? नहीं महाराज। सोच लीजिए। सोच लिया महाराज? पक्का? मैं इन्हें नहीं जानता महाराज। अच्छा ठीक। महामंत्री जी। महाराज दो हार मंगवाइए। जी वो हार? जी हाँ दो हार, आज अभी इसी समय सुलोचना देवी का विवाह इस दरबार में होगा। जी? हम विजयनगर के किसी भी स्त्री को असहाय नहीं देख सकते। परंतु महाराज अनायास इस प्रकार विवाह कैसे हो सकता है, पंडित की भी तो आवश्यकता है। महामंत्री जी आप भूल रहे हैं, महाराज होने के साथ साथ हम पंडित भी हैं, महापंडित। इस विवाह को हम संपन्न करवाएंगे। आप हार मंगवाई। परंतु महाराज विवाह के लिए एक वर की भी तो आवश्यकता होती है ना। आपसे कहा ना दो हार मंगवाइए। जी जो आज्ञा महाराज। बताइए कौन करेगा सुलोचना देवी से विवाह? ये बुड्ढा दरबार चला रहा है या स्वयंवर? हाँ मंत्री जी। जी हम? ये संभव नहीं महाराज, हम विवाहित है ना। हाँ गुरुजी। तुम दोनों में से सुलोचना से कौन विवाह करना चाहेगा? हमारे तो भाग्य खुल गए। गुरुजी धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे छोड़ो, अरे मैं विवाह करूंगा। मैं करूंगा विवाह। हाँ नहीं मैं करूंगा विवाह। अरे मैं करूंगा। अरे करूंगा। अरे मैं विवाह करूंगा। हाँ, ये वाला मैडम।
डालूंगा। नहीं नहीं मैं डालूंगा। अरे ये वरमाला मैं डालूंगा। नहीं नहीं मैं डालूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। अरे नहीं नहीं मैं डालूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। अरे नहीं नहीं मैं डालूंगा। मैं अपने हिस्से का आधा भोजन तुझे देता हूँ, लेकिन ये विवाह मुझे करने दे। मनी मैं तुझे उस सारी स्वर्ण की मोहरे दे दूंगा जो मैंने पिछले महीने गुरु जी के यहाँ से चुराई थी, लेकिन विवाह मुझको कर लेने दे। मनी मैं करूँगा ना। अरे बंद करो ये विवाह। तुम दोनों में से कोई भी विवाह के योग्य नहीं है। मूर्ख हो तुम दोनों, चुपचाप यहाँ आकर खड़े हो जाओ। विवाह कोई क्रीड़ा नहीं है। इस स्त्री पर किसी का कोई अधिकार नहीं है और ना ही इसका कोई पति है। और हम महाराज होने के नाते विजयनगर की किसी भी स्त्री को असहाय नहीं होने देंगे। गंभीर विचार के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुलोचना देवी से विवाह हम करें। हा? महाराज आप निवाला छीन लिया हमारे मुंह से बुड्ढे ने। रुक जाइए गुरुजी। गुरुजी आपको आपको विवाह करने से पहले हमारी लाश पर से जाना होगा। उचित पहले मुझे दो, मैं देखूंगा दूध कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। हमने देख लिया है। मुझे फिर भी देखना है, भास्कर छोटा शिशु है ना। लो मुझे दो। कितनी हल्दी डाली है, कितना कड़वा है। भास्कर को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। दूध मिलाओ इसमें। और दूध कहां से? हम इसमें शहद मिलाकर लाते। ये हुई ना बात शारदा। हाँ जाओ शहद मिला के लाओ, इतना कड़वा दूध नहीं पिएगा भास्कर। लाओ मुझे दो। अरे कितना शहद मिला दिया है तुमने। अरे ये दवाई है, इसे सर्दी हुई है, अगर ये इसे पिएगा तो ठीक हो जाएगा। बुरा नहीं है, शहद से स्वाद उत्तम लग रहा है। देखा इसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, कष्ट हो रहा है इसे। कोई कष्ट नहीं हो रहा, अब दीजिए हमें। अरे तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, रुला रही हो इसे। नहीं ये दूध नहीं पिएगा, ये दूध नहीं पिएगा। सारा दूध गिरा दिया। अरे बापू को दरबार भेजो, सबको परेशान कर दिया है। ठीक क्या किया? ये लो। अब ये किस लिए? बच्चे को ओढ़ाने के लिए। किंतु ये तो कितना गर्म और मोटा है, भास्कर को गर्मी लगी तो? हर काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? गर्मी ही तो चाहिए बापू। कंबल ओढ़कर उसका परीक्षण करूंगा, कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। अगर परीक्षण कर रहे हैं तो यहाँ नहीं कर सकते, जाइए कमरे में अंदर जाके कीजिए। ये सत्य कहा। अरे अरे ये द्वार क्यों बंद कर दिया? अरे द्वार खोलो, बाहर निकालो मुझे। वो इसीलिए ताकि आप हमारे लिए और कष्ट ना बढ़ाए। अब आप भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए। हैं?
शांति से रहने दीजिए, मतलब बापू आप दूर रहिए, एक शिशु को उसकी माँ ही अच्छे से संभाल सकती है। क्या शांति से रहने दीजिए, द्वार खोलो अम्मा। ये शिवाजी गोपाल सत्य कह रहा हो, ये स्त्री असत्य कह रही हो, फिर तो हमारा भाग्य प्रबल हो जाएगा। नहीं महाराज, आप सुलोचना से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने असत्य कहा था महाराज, सुलोचना भी मेरी पत्नी है, मेरी दूसरी पत्नी। इसका तात्पर्य हमारा कुछ नहीं हुआ। देखा कैसे पकड़ा गया ये चोर, मूर्ख व्यक्ति, दो दो स्त्रियों को भ्रमित कर रहे हैं। लज्जा नहीं आती तुम्हें? यहाँ तो हमें एक पत्नी प्राप्त नहीं होती और इसके पास दो दो है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं महाराज, इन्हें दंड मत दीजिए, इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए, हम इनकी पहली पत्नी है। नहीं महाराज, इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए, हम भी इनकी पत्नी हैं। नहीं महाराज, हम इनकी पत्नी हैं। नहीं महाराज, हम इनकी पत्नी हैं। हमारे हमारे हैं। बस बस करो, दो दो स्त्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है तुमने और इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलकर रहेगा। इस अपराध का दंड क्या होना चाहिए बताइए, इस अपराध का दंड क्या है? गुरु जी, दंड देने का प्रश्न पूछ किसको रहे हैं? अरे महामंत्री जी, आपसे पूछ रहे हैं हम। महाराज, गोपनीय तरीके से दूसरी शादी करने वाले पुरुष को तो 14 साल के कारावास का दंड दिया जाता है। नहीं महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए, महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज। हाँ महाराज, हमारा क्या अपराध है? हमारे साथ तो अन्याय होगा ना, हमारा पति हमसे मत छीनी है। यदि ये चले गए तो हमारा क्या होगा? हम है ना, अर्थात हम करते हैं न्याय। ठीक, हम तुम्हें 14 वर्ष का कारावास नहीं देते। तुम्हारा दंड ये है कि तुम आरंभा और सुलोचना अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में एक छत के नीचे रहोगे और इन दोनों के अत्याचार अर्थात इनके प्यार को सहोगी, यही तुम्हारे लिए दंड होगा। नहीं नहीं महाराज, महाराज ये अनर्थ है, ये दोनों तो पुरुष से शत्रु हैं और अपने इस विवाद में ये मेरी तो हत्या ही कर देंगे। महाराज महाराज ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज। ये सब दूसरा विवाह करने से पूर्व सोचना था। यदि ये न्याय स्वीकार नहीं है तो हम तुम्हें कारावास में डाल देंगे। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज। तो जाओ, विजयनगर में हम किसी भी स्त्री के साथ अन्याय नहीं देख सकते। तत्कालिक महाराज की जय, तत्कालिक महाराज की जय, तत्कालिक महाराज की जय, तत्कालिक महाराज की जय। इतने बड़े पुरुष को कोई बिल्ली की भांति कमरे में बंद करके रखता है क्या? भूलो मत, मैं इस घर का पुरुष हूं, मुझे कक्ष में बंद करते हुए लज्जा नहीं आती तुम दोनों को? अरे लोग क्या कहेंगे? यही सोचेंगे कि जो भी किया उचित किया। देखो मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है, मुझे इसी समय बाहर निकालो, नहीं तो मैं तो क्या करेगा बता। शिव 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 शारदा, कैसे वार्तालाप कर रही हो तुम? अरे नहीं, शब्द हमारे हैं पर विचार अम्मा के हैं। तो बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मुझे कृपया यहाँ से बाहर निकालो।
नहीं, कदापि नहीं, तू अंदर ही रहेगा। अरे मेरा पुत्र भास्कर मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, पाप चढ़ेगा तुम दोनों को, पाप। नहीं 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 बाबू, मैं व्याकुल नहीं हूँ। आप जब से भीतर गए हैं जीवन में अत्यधिक शांति है। अम्मा हम पूछ रहे थे कि किसकी भांति दिखता है, हमारी भांति क्या इनकी भांति? इसकी नाक देख, नहीं तीखी है, हमारे जैसी है ना? ना ना, नाक तो मेरे जैसी है ना भास्कर? नहीं, आपके जैसी भी नहीं है। इसकी आंखें देख, एकदम बादाम जैसी है, अति सुंदर, हमारे जैसी है ना अम्मा? क्यों नहीं शारदा महोदया, कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? एक आंख दाएं जाती है तो एक आंख बाएं, ऐसे इनकी तरह दिखती है? नहीं, मेरी तरह दिखता है वो? आपकी तरह भी नहीं दिखता। इसका मुख देख, प्यारा सा छोटा सा मुख। हाँ वो मेरी तरह है ना अम्मा, है ना? नहीं, तो फिर हमारी तरह नहीं? तो फिर किसकी तरह दिखता है अम्मा? अब समझ में आया क्या? ये अपने दादाजी की तरह दिखता है। ये पुनः स्वर्ग से उतरे हैं मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए। अरे बातें खत्म हो गई हो तो कुछ भोजन भी करा दो मुझे, कब तक भूखा रहूंगा मैं।